हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द अकेन इंडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि जो दोस्त ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं उसके बारे में। उससे पहले बता देता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं हैवी या लाइट, तो वो ऑनलाइन फाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यह है उनकी हरियाणा रोडवेज ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल की वेबसाइट, जहाँ से आप हेवी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है चालक परीक्षण आवेदन के लिए हिदायतें, इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सारी हिदायतें हैं वो हिंदी में है कि जो कैंडिडेट है वो हरियाणा राज्य से बाहर का होगा तो उसको परीक्षण नहीं दिया जाएगा। उसकी आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। जो सामान्य जनरल जाति से है उनके 3,000 रुपये, जो अन्य जाति से है उनके 1,500 रुपये फीस लगेगी। और इसकी जो पूरी हिदायत है आपको वो हिंदी के अंदर दी हुई है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आगे फार्म भरना है। इसकी पूरी हिदायत आपको पढ़ने के बाद में सारा पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। LMV LTV लाइसेंस है, आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, ये जो इसके अंदर फिल करना होता है लाइसेंस का नंबर, मैं आपको बताऊंगा एक डेमो के द्वारा, एक एप्लीकेशन फार्म अप्लाई करके, कि आप कैसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं इस फार्म को, और इसकी फाइल है वो कहाँ जमा करवानी होती है, पूरी जानकारी दी जाएगी। एक बार आपको पहले ये पढ़ लेना है हिदायतों को। अभी साइड में ये कॉलम दिया है अप्लाई ऑनलाइन फॉर ड्राइवर ट्रेनिंग। नेक्स्ट है रीप्रिंट ऑनलाइन अप्लीकेशन, अगर पहले अप्लाई कर रखा है तो उसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप स्टेटस जानना चाहे भी हमारी फाइल का नंबर कब आएगा तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। पूरे इंट्रैक्शन डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एफिडेट का फॉर्मेट है, सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो मैं अभी करता हूँ अप्लाई ऑनलाइन कैंडिडेट वाले पे, फर्स्ट कॉलम पे। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, जो आवेदन कर रहा है, जिसको हैवी लाइसेंस बनवाना है, उसका नाम इसके अंदर फिल करना है। जो उसका पहले वाले ड्राइविंग लाइसेंस में है सेम है उसके अनुसार। उसके बाद में पिताजी का नाम, उसके बाद में उसका एड्रेस, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड में जो एड्रेस दे रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस जो पहले LTV है उसके अंदर दिया होगा, वो इसके अंदर फिल करना है पूरा का एड्रेस, गांव, जिला, तहसील, और जो आपका पिन कोड नंबर है वो, ये सारी इसके अंदर एड्रेस के अंदर फिल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम दिया हुआ है एजुकेशन का। तो एजुकेशन में आपसे पूछ रखा है कि आपने कि क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है, 10वीं है, 12वीं है, वो इसके अंदर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो इसके अंदर फिल करना है। जो पहले वाला लाइसेंस है उसी के अनुसार ही नया लाइसेंस बनेगा, उसमें नाम चेंज करवाना चाहते हो तो पहले करवा सकते हो आप, जो नया बन जाएगा उसमें बाद में चेंज करवाने में दिक्कत आएगी आपको। कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल है, SC है, ST है। इसके बाद में है आधार कार्ड नंबर, जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो इसके अंदर फिल करना है। इसके बाद में है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है वो इसके अंदर फिल करना है। उसके बाद में है लाइसेंस नंबर, जो आपका पहले लाइसेंस है उसके ऊपर लिखा होगा HR 22 NE समथिंग, वो पूरा का पूरा इसके अंदर फिल करना है। इसके बाद में इशू डेट, इशू डेट आपके जो लाइसेंस की है वो क्या है, जो नंबर दिया हुआ है उसके आगे ही दिया हुआ है, वहाँ से इशू डेट इसके अंदर लिखना है। इसके बाद अथॉरिटी, किसने आपको अथॉर्ट किया है, जिस पे मोर लगी हुई है उसका नाम लिखना है इस पे। जैसे SDO की लगी हुई है तो SDO फतेहाबाद, सब डिविजनल ऑफिसर होता है, ज़्यादातर उसी की होती है मोरें। अगर किसी और ने इशू किया है, अथॉरिटी दी आपको, तो उस मोर के आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग स्टेशन, ट्रेनिंग स्टेशन आप कहाँ से ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इसके आगे दिया हुआ है आपके वेटिंग का मंथ, कि आप कितने महीनों तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपको ये अगर फतेहाबाद के लिए अप्लाई करें तो 12 मंथ वेटिंग ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, बाद में ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद में फ़ोटो सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में सिग्नेचर,
सारी डिटेल एक बार चेक कर लेना है। इसका जो ऑनलाइन का नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी हिदायतें हैं हिंदी में उसको भी आप चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस जान सकते हैं। सारे लिंक है वो दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आएगा और आपने कब फाइल लगाई है उसकी तारीख और लास्ट में हुआ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसको प्रिंट करना है, एक प्रिंट अपने पास रखना है, एक प्रिंट जो आपने जिस सेंटर के लिए अप्लाई किया है वहाँ पर जमा करवाना है, और इसके साथ जो फार्म के साथ कागजात लगने उसकी जानकारी यहाँ दी हुई है। इसको आप ध्यानपूर्वक से पढ़ लेना एक बार कि क्या क्या इसके अंदर कागज़ लगाने हैं उसके पीछे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फार्म जमा करवाते समय कागजात भी साथ लगाने हैं, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, योग्यता पत्र है, 10वीं का सर्टिफिकेट है, पुराने लाइसेंस की कॉपी है, जाति वाला है तो वो लगाना है, 10 रुपये का एक स्टाफ पेपर है। ये सारे लेके आपने जिस सेंटर के लिए अप्लाई किया है वहाँ पे इसको जमा करवाना होता है। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो हम और भी लाएंगे। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दिया उस पर क्लिक करें, उसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त होगी। हमारी वीडियो आपको देखने के लिए आपको दोस्तों धन्यवाद। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें।